विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मनावर, बदनावर और धार में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। मनावर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तीन परिवार है, पहला कमलनाथ का, बंटाधार दिग्विजय का और तीसरा है राहुल और सोनिया गांधी का गांधी परिवार। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कहा, जब मैं कश्मीर का धारा 370 से संबंधित बिल सदन में लेकर खड़ा हुआ, तब राहुल गांधी कहते थे कि मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा, खून की नदियां तो छोड़ो, कश्मीर में किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी रोक सकती है क्या? मोदी जी ने PFI पर बैन लगाया, कश्मीर से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। भाइयों बहनों, मैं जब कश्मीर का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई, ये राहुल बाबा कहते थे कि मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई, तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, कश्मीर में किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत। अमित शाह ने आगे कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यहाँ आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ का चलता है और गलती होने पर चांटा दिग्विजय सिंह को लगा देते हैं। ये कपड़ा फाड़ राजनीति मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। कमलनाथ को कांग्रेस ने यहाँ अपना नेता बनाया है, लेकिन वो आपके भले के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में है नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना और सोनिया गांधी जी के मन में है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करते हैं, वो देश और प्रदेश का कभी भला नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा कि इस बार मध्य प्रदेश तीन दीपावली मनाएगा, एक दीपावली कल मनाएंगे, दूसरी 3 दिसंबर को यहाँ भाजपा सरकार बनने के बाद, और तीसरी दीपावली आपको 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मनानी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।